अगर ये समयाना और अताना कहते वही उनके लिए बेहतर होता। वस्मा वंजुरना कहते, वस्मा गैर मुस्मा की बजाय और आयना की बजाय उनजुरना कह दिया करें, ताकि किसी शक व शुबह की और गुस्ताखी की गुंजाइश बाकी न रहे। यही उनके लिए बेहतर था, वो अक्वम ज्यादा दुरुस्त था। बोला कि लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन बात यह है कि ये सब गुस्ताखियां वो इसलिए करते हैं कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह उन पे लानत फरमा चुका है। डेविड नामी एक शख्स ने इस बात का दावा किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह उसमें सरायत कर गई है, वो जीसस इनकार्नेट है। तो बहुत सारे लोग उसके पीछे लग गए और वो होते होते एक बहुत बड़ा जत्था बन गया, ताकत पकड़ गया, पे मुकदमा चलाए बगैर उसको भी और उसके 300 साथियों को अमरीकी हुकूमत ने जिंदा जला दिया। ये आज से 6-7 साल पहले की बात है। हमसे तो कहते हैं कि तुमने इतना सख्त कानून क्यों बनाया? तो भाई हमने कानून बनाया है कि जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसको अदालत में फेयर ट्रायल देंगे। अगर साबित हो गया कि वो गुस्ताख है तो हम उसको सजा देंगे। तुम्हारे यहां तो कानून ही कोई नहीं, तुम तो बगैर कानून के बगैर अदालती कार्रवाई के जिंदा जला देते। इसलिए हमें कोई इस बात का ताना ना दे, वो जो हमारा अदालती कानून है वो दुरुस्त है, खुदा करे उस पर दुरुस्त अमल होता रहे। अब मैं वापस आता हूं। फरमाए कि यकूलूना समिअना व असैना व अस्मा गैर मुस्मइन व राइना लयनन बिअलसनतिहिम व तअनन फिद्दीन, समयना व असैना कहते हैं, अताना की बजाय असैना कहते हैं, वस्मा गैरा मुस्मा कहते हैं और राइना कहते हैं जबान को लचका दे के, वतानन फिद्दीन और दीन पे हमला करते हुए वो ये कहते हैं। अगर वो यूं कहते वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना, अगर यूं कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की, वस्मा और सिर्फ इतना कहते कि हुजूर की बातों को कान लगा के सुनो, वंजुरना राइना की बजाय उनजुरना कहते, लकाना खैर अल्लाहुम व अक्वम, यही उनके लिए बेहतर भी होता ज्यादा दुरुस्त भी होता। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पे लानत फरमा दी। और इस लानत की वजह से वो गुस्ताख हो गए हैं। अजीजा ने गरामी, लानत के लफ्जी मैनी है अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाना। अल्लाह की रहमत पूरी कायनात पे बरस रही है, दुनिया में जो चीज भी मौजूद है जिंदा या बेजान वो इस तरह से मौजूद है कि अल्लाह की रहमत उस पे बरस रही है और उसको उसने बाकी रखा हुआ है। लेकिन अगर किसी से अल्लाह की रहमत को दूर कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी सजा होती है और इसकी अलामत ये होती है कि इंसान बेहिस हो जाता है।
चिकना घड़ा बन जाता है। उसको सलीके की बात समझाओ तो वो समझ नहीं पाता, बल्कि समझाने वाले को बेवकूफ समझता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे अर्ज कर दूं जैसे कि इंसान की शख्सियत के दो हिस्से हैं, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। जिस्म की गिजा अगर बंद कर दी जाए तो इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। ऐसे ही ये अल्लाह की रहमत जो है, ये इंसान के जिस्म की गिजा भी है और रूह की गिजा भी है। अगर इंसान की रूह की गिजा उससे हटा दी जाए तो उसकी रूह खत्म हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। फरमाया ये इस वजह से गुस्ताख बने हुए हैं कि इनके कुफर की वजह से अल्लाह ने इन पे लानत फरमा दी है। फला युमिनूना इल्ला कलीला, और ये ईमान नहीं लाएंगे, ये बहुत कम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऊतुल किताब, या अय्युहल्लज़ीन ऊतुल किताब आमनू बिमा नज़ला मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, ऐ वो लोगो जिन्हें अल्लाह की किताब दी गई है, ज़बूर तौरात इंजील दी गई, अब उन पे कुरान नाजिल किया गया, आमनू बिमा नज़ला मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। अब ये जो किताब आई है ये पहली ही किताब की तस्दीक करने वाली है, उन्हीं किताबों का लेटेस्ट एडिशन है, इस पर ईमान ले आओ। मिन क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन, बेशतर इसके के हम तुम्हारे चेहरों को मसख कर दें, मुंह बना बना कर, जुबान लचका लचका कर, उसलूब बिगाड़ बिगाड़ कर तुम अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हो, तो यही मुंह जो तुम बना बना के हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो, यही मुंह हम मसख कर देंगे। और फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और अल्लाह का रसूल हमारा पैगाम पहुंचाता है, तुम उससे मुंह मोड़ते हो, यही मुंह हम तुम्हारा मोड़ के तुम्हारी गुद्दी की तरफ कर देंगे, गुद्दी तुम्हारी आगे की तरफ कर देंगे, हम ये कर सकते हैं। लअनहुम कमा लअना अस्हाब सब्त, या हम इन पे ऐसी लानत बरसाएंगे जैसे वो अस्हाबे सब्त पे सनीचर वालों पे हमने बरसाई थी, कि उनके चेहरों को भी हमने मसख कर दिया, बंदरों वाले चेहरे बना दिया। अज़ीज़ाने ग्रामी, हम अल्लाह के गजब से और अल्लाह के कहर से अल्लाह की पनाह में आते हैं। मुझे कराची में कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं कुछ लोगों की, उनकी पहली तस्वीरें भी और बाद की तस्वीरें, और यकीन जानिए कि इंसान की शक्ल खंजीर की बन गई, इंसान की शक्ल कुत्ते की शक्ल बन गई, उसके चेहरे पे वैसे बाल आ गए, उसका नाक वैसी आगे को बढ़ गया। वो मैंने देखी है, और सच्ची बात यह है कि मैं इतना खौफ ज्यादा हुआ कि मैंने वापस कर दी, ली भी नहीं। मैंने कही यार मुझ में हिम्मत नहीं है कि ये मैं अपने पास रखूं और लोगों को दिखाऊं। अब ये एक सब्जेक्ट है, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लोगों के चेहरे यूरोप में और अमेरिका में मश्क हो रहे हैं, बहुत कम वो ऐसा होता है। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि मेरी उम्मत को यूं मसख न किया जाए जैसे पहली उम्मतों को मसख किया है। कहीं कहीं ऐसा कोई वाकया होता है, अलल उमूम ये मसख के वाकयात नहीं होते, लेकिन इस दौर में आजकल हो रहे हैं, और मैंने अपनी आंखों से अखबारात में वो तस्वीरें देखी हैं। इसे अल्लाह के कहर से और उसके गजब से पनाह मांगनी चाहिए।
امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے، اللہ جو فیصلہ فرما دے اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ دیکھو ایک بات پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا، طے ہے، فیصلہ ہے، اس کو تو معاف نہیں کروں گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی سا بھی گناہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی صرف شرک چھوڑ دے اور باقی سارے گناہ کھل کھیل کرے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جس کو یہ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث جس کو پڑھنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز و اکرام فرمایا گیا، ان میں تین تحفے تھے۔ ایک تحفہ تو یہ پنجگانہ نماز ہے، اور ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے حضور کو، ایک ڈرافٹ اپلیکیشن بنا کے دے دی گئی ہے کہ یوں اپلائی کرو ہمارے حضور۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ آیات پڑھے بغیر رات کو رات کو یہ آیات پڑھے بغیر سو گیا، میں اسے سمجھدار نہیں سمجھتا۔ کوئی سمجھدار آدمی ان آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو نہیں سو سکتا۔ اور کبھی اس کے مفہوم پہ غور کریں، یہ دوسرا تحفہ، اور ایک تیسرا تحفہ ہے کہ حضور سے یہ وعدہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب، تیری امت میں وہ شخص جو صاحب ایمان ہوگا اور شرک سے پاک ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے دوستو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہو سکے، جتنا ہو سکے شرک سے دور بھاگو۔ جہاں شک پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، دیکھو دلیلیں نہ کرو، تاویلیں نہ ڈھونڈو۔ شک پڑ گیا کہ یہ شرک ہو سکتا ہے، چھوڑو، چھوڑو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شخص توحید میں پکا ہو وہ اس کے رسول میں کچا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ شرک میں پختگی اس
तौहीद में पुख्तगी उस वक्त आती है, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, तौहीद में पुख्तगी उस वक्त आती है जब हुब रसूल में पुख्तगी हो। इसलिए कि हमने अल्लाह का वजूद, अल्लाह पे ईमान, अल्लाह का नाम हुजूर से सीखा है, ऐसा नहीं है। कुछ शिर्क और बिदत में मुब्तला होते हैं वो आशिक रसूल होते हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं होते हैं आशिक रसूल, कारोबारी लोग हैं, ड्रामेबाज हैं। तौहीद में पुख्ता वही होता है जो शिर्क से बचा हुआ हो और हुब्बे रसूल में पुख्ता हो। इसलिए अजीजाने गरामी में आपसे ये बात अर्ज करूं कि इस जुमरे से निकले, जहां जहां तौहीद में जरा सा कच्चापन नजर आए, शिर्क का शायबा नजर आए, छोड़ दें वो रास्ता। इसी कुरान में अभी आप आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि यहूद से कहा गया कि तुम मुशरिक हो, शिर्क करते हो, तुम उजैर को अल्लाह का बेटा करार देते हो। कहते हैं हमने तो कोई शिर्क नहीं किया यार, अल्लाह के बेटे बनाते हो और कहते हो हमने शिर्क कोई नहीं किया। यही हाल हमारा, इसे कुरान में अभी पढ़ेंगे हम, अल्लाह के बेटे बनाते हो, उजैर को अल्लाह का बेटा बनाते हो, मसीह को अल्लाह का बेटा बनाते हो और फिर दावा कहते हो करते हो कि हम तौहीदी हैं, हमने शिर्क नहीं किया। यही हाल हमारा है, दुनिया जहान के सारे मुशरिकाना आमाल करने के बाद हम जब अल्लाह के हुजूर जाएंगे कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम, हमारे परवरदिगार की कसम, हमने तो कोई शिर्क नहीं किया। सूरह मायदा में हम पढ़ेंगे आगे चलकर, अल्लाह ताला कहेंगे मुशरिकीन से कहेंगे, अल्फाज खिताब मुशरिकीन से होगा कि तुम शिर्क क्यों करते रहे हो। कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम, हमारे परवरदिगार की कसम, हम तो मुशरिक नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी भर शिर्क करते रहे, उसी को तौहीद करार देते रहे, उसी को तौहीद समझते रहे। उनके मौलवी ने, उनके पीर ने, उनके फलाने फलाने, उनके मां बाप ने, उनके उस्ताद ने उनको यही सिखाया और बेचारे वो यही समझते रहे कि हम तौहीद पे पक्के हैं और ये मौलवी जो है ना ये कट्टा है, ये वहाबी है, ये बदअकीदा है, ये गुस्ताख है। तो यार कभी उसकी बात को गौर से सुन ही लिया होता। इसलिए अजीजाने गरामी एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूं कि फिरकों को छोड़ दें, मसलकों को छोड़ दें, सिर्फ इतनी सी बात कि जहां शिर्क का शायबा हो उसे हट जाए, जरा से शक पड़ जाए। और मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं कि देखें आप बहुत सख्त भूख के आलम में बैठे हैं, खाना आप खा रहे हैं और कान में आके आपका बावर्ची कहता है कि जी वो जी आपके जो नीले थोथे की शीशी थी ना वो जरा गिर गई थी और उसका एक कतरा एक डोंगे में पड़ गया था। अब आपके सामने तो 8-10 डोंगे पड़े हुए हैं ना, पता नहीं किसमें नीले थोथे का कतरा पड़ गया, आप क्या करेंगे? आप सारा दस्तरखान छोड़ दें कि यार खाना कहीं और जाके खा लेते हैं, नहीं खाते आज। लेकिन एक दो कतरे जो नीलत होता है कि किसी डोंगे में पड़ गए हैं तो सारा खाना मुश्तबे हो गया। सारा छोड़ दिया आपने, इसलिए कि जिंदगी अजीज है। लेकिन दोस्तों ईमान अजीज नहीं है, अगर ईमान अजीज होता तो किसी कब्र के सामने जाके हम यूं हाथ ना फैलाते, किसी गैरुल्लाह के सामने हम झुकते नहीं, गैरुल्लाह और मिन दूनिल्लाह की किसी शक्ल के आगे हम सुजूद और यूं हाथ बांध के खड़े ना होते। कि ईमान अजीज नहीं है, जान तो अजीज है, जरा से शक पड़ा और भाग गए। बात और मैं अर्ज कर दूं कि शिर्क की आगे बहुत सी शक्लें आ रही हैं, कुरान मजीद खुद बयान कर रहा है। शिर्क की जो सबसे आम शक्ल है वो दो है,
آگے اسی موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہو. اور وہ دونوں کی دونوں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ضد ہیں. ہم سے عہد یہ لیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. یہ دو چیزیں. انہی دو میں ہم خلل ڈالتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت شروع کر دیتے ہیں, اللہ سے مانگتے مانگتے پھر غیروں سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی عبادت کیا ہے دوستو؟ صرف نماز روزہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ نے یہ جو ہمیں دستور دیا ہے, یہ قانون بنا کے دیا ہے, پوری زندگی کا نظام دیا ہے, اس کو اپنانے کی بجائے ہم کسی ایرے غیرے کے قانون کو, اس کے نظام کو اپنا لیں, یہ سب سے بڑا شرک ہے. قانون ساز تو اللہ ہے, قانون بنا کے اس نے دے دیا ہے, پہنچا دیا ہے, اب اس کو تو ہم چھوڑ دیں اور ہماری ساری عدالتیں, ہمارے سارے ایوان حکومت, ہمارے سارے چیمبرز آف انڈسٹری اینڈ کامرس غیر کے بنائے ہوئے دستور پہ, اس کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں اور ہم اس پہ راضی ہوں, مطمئن ہوں, اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ ساتھ شرک اور کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے مانگتے آپ نے کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دیا, یہ شرک ہے. اور دیکھیں اس کی جو توڑ قرآن مجید نے کیا ہے, ایسی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ من دون اللہ سے, غیر اللہ سے مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سامنے پڑے ہوئے بہتے ہوئے پانی سے کہے کہ اے پانی تو آ میرے منہ میں داخل ہو جا اور میری پیاس بجھا دے. عزیزان گرامی, قرآن کی مثالیں معجزہ ہوتی ہیں.